हेलो गाइस, मेरा नाम विनय और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आ गए फिर से एक ट्रेंडिंग रील्स का ट्यूटोरियल लेके। जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, तो अभी के समय में कुछ इस तरह का रील्स इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। गाइस, आप लोग भी कुछ इस तरह के रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम VN एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं, तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपके में एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ नीचे की ओर जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से एक वीडियो ऐड कर लेना है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से मैं 12 फोटो ऐड कर लेना है, तो मैं फोटो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो और फोटो सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद गाइस, हमें यहाँ नीचे की और जो एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो और फोटो ऐड हो गया है, आप यहाँ से देख ही सकते हो। तो इस वीडियो में ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है, तो इसके म्यूजिक हमें यहाँ से म्यूट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ लास्ट में चले जाना है और यहाँ हमें जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है इसको हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसमें हमें अब म्यूजिक ऐड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाकर म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ म्यूजिक बीट्स में चले जाना है और बीट को मार्क कर लेना है। तो गाइस, बीट को मार्क करने के लिए हमें यहाँ जो फ्लैग दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा बीट ऐड होते जाएगा। तो मैं बीट को ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ गाइस, आप यहाँ से देख ही सकते हो। तो अगर आपको बीट मार्क करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट में बता दूंगा हमारा बीट कितने कितने सेकंड में मार्क हुआ है, आप वहाँ से देख लेना और बीट को मार्क कर लेना। तो बीट मार्क हो जाने के बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है और इसको भी हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसको हमें म्यूजिक बीट के हिसाब से एडजस्ट करते जाना है। तो उसके लिए गाइस, हमारा जो फर्स्ट वाला म्यूजिक बीट है इसमें हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पे वीडियो को जाके स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है उसको हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो गाइस, ऐसे ही हम जहाँ जहाँ पे बीट को मार के हमें वहाँ पे क्लिक करते जाना है और फोटो को हमें यहाँ पे जाके ट्रिम कर लेना है। तो मैं ऐसे ही सब में कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। और गाइस, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना, मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपको फॉलो बैक चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं फॉलो बैक दे दूंगा। और अगर आपको कोई वायरल रील मिला तो मेरे को वहाँ पे शेयर कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो गाइस, ये हमारा म्यूजिक बीट के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। उसके बाद गाइस, इसमें हमें अब इफेक्ट सेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें हमें जूम इन को यूज़ कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको आप लाइट वॉल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा सभी पार्ट पे अप्लाई हो जाएगा, आप यहाँ से देख ही सकते हो। तो गाइस, इसका यूज हमें फर्स्ट वाले वीडियो में नहीं करना है, तो उसके लिए हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें इसको नॉन कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो गया, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो रेडी हो जाने के बाद हमें यहाँ ऊपर की ओर जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, आप यहाँ से देख ही सकते हो। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।